आरओ यारो 2023 के लिए हिंदी पर्यायवाची की क्लास होगी और इस क्लास में आज हम उन 100 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आयोग अक्सर पूछता है और ये वो पर्यायवाची शब्द होंगे जो अभी हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आरओ यारो की, चाहे वो 2021 की प्री और मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो 2020 में प्री और मुख्य परीक्षा हुई है, 16 का री एग्जाम हुआ हो या 17 में परीक्षा हुई है, उनमें जो अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं और वो प्रश्न जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं हमने उन्हीं प्रश्नों को स्पीडों में कवर किया है। तो ये पहला लेक्चर होगा हमारा जिसमें 100 प्रश्नों को कवर करेंगे और इसी प्रकार कम से कम 7 से 8 लेक्चर लेकर आएंगे पर्यायवाची के, जिसमें 700-800 उन पर्यायवाचियों को कवर किया जाएगा जहां से आयोग आपके 10 प्रश्न पूछेगा और वो 10 के 10 प्रश्न आपको इन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए मित्रों आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और जो साथी हमारे साथ पहली बार हमारे इस सेशन में जुड़ रहे हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेगी। कल एक हमने एक वीडियो बनाया था, आज सुबह डाला था, वो था यूपी की जनगणना और भारत की जनगणना का। वहां से आपके एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप एक ही वीडियो को देख लीजिए तो आपके 5 के 5 प्रश्न आपके वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है कि एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यानी इस प्रश्न में आपके 3 यमुना के पर्यायवाची हैं और एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका आरओ यारो 2016 में जो री एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्त याद रखेंगे एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आप देखेंगे देखिए रवीजा यमुना का पर्यायवाची है, सूरजा यमुना का पर्यायवाची है और अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है, जबकि तनुजा आपका पुत्री का तनुजा आपका यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ये भी देखिए री एग्जाम हुआ है 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द संकर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर एक शब्द आप याद रखेंगे हर क्वेश्चन में कि नहीं शब्द विशेषकर देखेंगे। अक्सर गलतियाँ ये होती हैं कि हम नहीं शब्द को नहीं देखते और हमें लगता है कि शंकर का पर्यायवाची है और हम उसे टिक कर देते हैं। तो इन छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना होगा। तो इस क्वेश्चन का आप याद रखेंगे कि शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तब कौन कौन से शंकर के पर्यायवाची हैं? तो देखिए एक तो आपका ललाटाक्ष हो जाएगा, दूसरा गंगाधार हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपका त्रिलोचन हो जाएगा। तो ये तीनों ही शंकर के पर्यायवाची हैं, संसधर ये आपका शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। देखेंगे यहाँ पर दिया गया कि आम का पर्यायवाची नहीं है, तो फटाफट याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देखिए अतिशोर, सहकार, रसाल और एक और ये पूछा जाता है आम्र, ये सबके सब किसके आम के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आम का पर्यायवाची नहीं है। चौथा प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ग पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा वो वर्ग है जो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सभी साथीगण याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। सिंह, पांचानन, नाहर और मृगार ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद जितने भी दिए गए देखिए तरड़ी, शोर, दिनकर, इसमें तरड़ी नहीं होना चाहिए तो ये गलत है। इसी प्रकार ये तीनों के तीनों गलत हैं। पहले वाले में जितने भी पर्यायवाची दिए गए एक दूसरे के पर्यायवाची, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, जिसे प्रस्तर भी कहा जाता है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो साथ इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पसम ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण ये सब के सब पत्थर के पर्यायवाची हैं, पसन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो आप याद रखेंगे पत्थर के पर्यायवाची चाहें तो नोट कर लीजिए कि पत्थर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं और ये 16 की री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। सातवां प्रश्न आपके साथ है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अभी आपको देखिए यहाँ से क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो आप ये चीज़ सीखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके आयोग आपके एग्जाम में पूछता है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो बताएंगे छठे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा वर्ग शुद्ध है। तो सभी साथीगण गौर करेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में घर, निकेतन, आयतन या आलय होना चाहिए, ठीक है। आयतन चलो कोई दिक्कत नहीं, आलय होता है और निलय ये सब घर के पर्यायवाची हैं, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया नहीं शब्द, विशेषकर नहीं शब्द पर आप फोकस करेंगे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है।
साथ ही ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, जलाधिप ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। आगे बात करेंगे तो कि जलधि समुद्र का पर्यायवाची है, जलधाम समुद्र का पर्यायवाची है, जलनिधि समुद्र का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर भी नहीं शब्द दिया गया है, तो बताइए कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए निम्नगंगा की बात करेंगे नदी का पर्यायवाची है, त्रिपतंगा नदी का पर्यायवाची है, कुलवती नदी का पर्यायवाची है, कुलनसंका ये जो दिया गया ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर होगा। नौवां प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तीन शब्द हैं और एक नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है सभी पर्यायवाची को अच्छे तरीके से कवर करना है। अगर आप प्री परीक्षा में 10 अंक लेना चाहते हैं तो आपको पर्यायवाचियों को अच्छे से कवर करना होगा, हालांकि मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो बताइए नौवें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद एक कमलेश विष्णु का पर्यायवाची है, कमलाकांता विष्णु का पर्यायवाची है, कमलापत विष्णु का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए दसवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी साथीगण बताएंगे दसवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, देखिए यहाँ पर भी नहीं शब्द दिया गया है, तो दोस्त याद रखेंगे बात करेंगे हेम स्वर्ण का पर्यायवाची है, हाटक स्वर्ण का पर्यायवाची है, कलधोत स्वर्ण का पर्यायवाची है, हिरण्य ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है ग्यारहवां, आग का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर देखिए नहीं शब्द दिया गया है, तो आप बताएंगे कौन सा नहीं होगा। पहला ऑप्शन है अनिल, आग का पर्यायवाची होता है, और एक होता अनिल, एक होता अनिल ये वाला देखिए अनिल, ये होता हवा का पर्यायवाची, किसका हवा का, अनिल हवा का और अनिल आग का होता है, ठीक है। आगे देखेंगे पावक आग का पर्यायवाची होता है, कृषाणु आग का पर्यायवाची होता है, व्योम ये गलत हो जाएगा, तो कमेंट करके बताएंगे व्योम किसका पर्यायवाची है, क्या आकाश का है समुद्र का है, इस प्रकार आप याद रखेंगे व्योम किसका पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद देखिए आग के आपसे पूछेंगे ताक का एक तो अनल हो जाएगा, पावक हो जाएगा और कृषाणु हो जाएगा, व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है बारहवां, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, बताएंगे फटाफट। जैसे पहले की बात करें आँख, तो आँख का चक्षु होता है ये तो सही है, इंद्र को सुरपति कहा जाता है ये भी सही है, गधा को वैशाख नंदन कहा जाता है ये भी सही है, आकाश को जलद, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, आकाश को जलद नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आइए मित्र एक एक करके कवर करते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले दिया गया है सूर्य, सूर्य को मित्र का पर्यायवाची कहा गया है, दोस्त होता ही है, सहयोगी होता ही है, उदार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। मित्र के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो सूर्य दोस्त और सहयोग सहयोगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है 14वां, कि सभा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए सभा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन है सम्मिलित, सम्मिलित क्या होगा भाई, सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है, सम्मिलित होना यानी जुड़ना होता है, ये नहीं बैठक, बैठक यानी सभा होती है, परिषद सभा होती है, महावर्तन सभा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पूछा मृगेंद्र का पर्यायवाची है, बताइए आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शार्दुल, ठीक है, मृगेंद्र का शार्दुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द दिया गया है, तो देखिए याद रखेंगे यहाँ पर दिया रजनी होता है किसका, रात्रि का, विभावरी रात्रि का पर्यायवाची, निशि रात्रि का पर्यायवाची, समीर ये गलत हो जाएगा, समीर किसका होता है, तो आप याद रखेंगे हवा का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर देखेंगे पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है, देखिए मरीच होता है, लक्ष्मी होता है, दीप्ति होता है, पुष्कर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16वां 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पुष्कर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है शशांक शब्द का पर्यायवाची है, याद रखें दोस्तों शशांक शब्द आपसे पूछा गया है, इसका पर्यायवाची आपसे पूछा है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा होता है शशांक का, शशांक को क्या कहा जाता है, चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19वां, वृक्ष का पर्यायवाची है, तो बताइए फटाफट वृक्ष का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पादप कहा जाता है वृक्ष को, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है कि आशय शब्द का पर्यायवाची है, तो दोस्तों याद रखेंगे आशय शब्द का हो जाएगा तात्पर्य,
आशय क्या आशय है आपका, क्या तात्पर्य है, तो बताइए हमारा तात्पर्य कि हमारे हिंदी में 60 अंक आ जाए, तो ये आपका आशय तात्पर्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गेह शब्द का पर्यायवाची है, तो याद रखेंगे मित्रों गेह शब्द का पर्यायवाची ग्रह हो जाएगा, ग्रह आलय निकेतन ये सब ग्रह या गेह ये घर के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फल शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको 22 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। परिणाम फल यानी जैसे कहते आपका क्या फल आया, ठीक है परीक्षा फल पूछे भाई परीक्षा फल कैसा आया, तो हम कहेंगे अच्छा रहा, परिणाम कैसा रहा, अच्छा रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फल का पर्यायवाची परिणाम। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, कंटिन्यू आरओ के लिए आपको क्लासेस इसी प्रकार मिलती रहेंगी। कमल शब्द का पर्यायवाची है, तो सभी साथीगण याद रखेंगे कमल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ताम्रस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, 24 में प्रश्न है कि यमुना शब्द का पर्यायवाची है, बताइए यमुना शब्द का पर्यायवाची है। अगर जिन लोगों ने ऊपर अभी क्लास देखी होगी, जो अभी जुड़े हैं, जिन्होंने शुरू से क्लास की है, तो पहला ही प्रश्न था कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है, उसमें मैंने बताया था कि अर्कजा यमुना का पर्यायवाची होता है, तो आपसे पूछा गया था कि यमुना का पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्कजा यमुना का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया कि आग का पर्यायवाची है, बताइए 25 में आग का पर्यायवाची है, तो दोस्त याद रखेंगे आग का पर्यायवाची हो जाएगा विश्वानर, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, दोस्तों बताएंगे सुंदर शब्द का, ब्यूटीफुल सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चारु, ठीक है चारु सुंदर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, बताएंगे चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, दोस्त याद रखेंगे इसको करवाल कहा जाता है, चंद्रहास तलवार करवाल ये चंद्रहास, ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा करवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, बताएंगे कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। आपने हिस्ट्री में गुलाम वंश दास वंश पढ़ा होगा, तो गुलाम दास सेवक ये क्या होते हैं भाई एक दूसरे के पर्यायवाची, तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है परिकर। अब देखिए अनुचर दास का पर्यायवाची है, भृत्य दास का पर्यायवाची है, सेवक दास का पर्यायवाची है, जबकि परिकर दास का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी का पर्यायवाची है, तो दोस्तों मीनाक्षी किसे कहा गया है, तो दोस्त याद रखिए मीनाक्षी जो कहा जाता है वो दुर्गा माँ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी दुर्गा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मीनाक्षी, यानी मीनाक्षी का दुर्गा हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है रुक शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है तो बताएंगे 30 में क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रुख का होता है विटप, ऑप्शन नंबर ए, ये आरओ 2014 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची है, तो दोस्त याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा, ठीक याद रखेंगे ब्रह्मा को ही क्या कहा जाता है हिरण्य गर्भ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 32 में प्रश्न कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द दिया गया है, तो नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो अब आप यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, जैसे नाग को सर्प कहा जाता है, अहि कहा जाता है, विषधर कहा जाता है, तुरंग घोड़े का होता है, किसका ये घोड़ा का होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा, ये नाग का नहीं है ये घोड़े का है, बाकी सर्प अहि और विषधर ये नाग के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है 33 में कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए कमलासन की बात करें ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, चतुरानन की बात करें ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, चतुर्मुख की बात करें ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, और यहाँ पर जो चतुर्भुज दिया है ये गलत हो जाएगा, चतुर्भुज गलत हो जाएगा, बाकी आपके सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी परम शक्त आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए दैत्य धनुज राक्षस, बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा दैत्य का पर्यायवाची, तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए राक्षस दैत्य का पर्यायवाची होता है, दानव दैत्य का पर्यायवाची होता है, निशाचर जो रात में चढ़ता है उसको दैत्य राक्षस इसको कहा जाता है राक्षस, ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा भूसुर, ये आपका दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि राक्षस दानव और निशाचर ये तीनों ही आपके दैत्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 में कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आरओ 2014 में पूछा गया प्रश्न है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गढ़ाधिप, ये आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची होता है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची होता है, और मधवा इंद्र का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है तो बताएंगे साथीगण भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलव, ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि शिलीमुख भ्रमर का पर्यायवाची है, ठीक है, चंचरीक भ्रमर का पर्यायवाची है, मिलिंद भ्रमर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि सरस्वती के चार पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है बताइए। जो ऑप्शन दिए गए इनमें आपको सरस्वती का पर्यायवाची वाला गलत बताना है कि कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बताइए साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है और कंटिन्यू आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो इसमें देखिए जो भामा शब्द दिया गया है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि शारदा सरस्वती को कहा जाता है, भारती सरस्वती को कहा जाता है और बागेश्वरी सरस्वती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वसंत के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है, यानी वसंत का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो मित्रों याद रखेंगे, देखिए ऋतुपति वसंत को कहा जाता है, कुसुमाकर वसंत को कहा जाता है, मधुमास वसंत को कहा जाता है, कांतार वसंत को नहीं कहा जाता, तो ये गलत हो जाएगा। कांतार आपका शायद बताएंगे किसका होता है, ठीक है, कांतार विपिन ये किसके होते हैं बताइए फटाफट, कांतार और विपिन, ये अगर आपने कांतार बता दे तो आप विपिन को भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन है वेश्या के चार पर्याय दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण वाला बताना है, यानी इनमें से कौन सा वेश्या का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गढ़ का वेश्या का पर्यायवाची होता है, वारांगना वेश्या का पर्यायवाची होता है और रंडी वेश्या का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, कुलटा कुलटा वेश्या का पर्यायवाची नहीं होता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है बताइए, कालिंद्री का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, 40वां प्रश्न है बताएंगे। देखिए सरस्वती कालिंदी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी कालिंदी का पर्यायवाची है, गंगा कालिंदी का पर्यायवाची है, यमुना कालिंदी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4th यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कि नहीं शब्द दिया गया है अश्व का यानी घोड़े का, तो देखिए घोड़ा तो होता ही अश्व, अश्व को क्या कहा जाता है, देखिए घोटक कहा जाता है, हय कहा जाता है, तो क्या बचा आपका कटक बचा, तो ये आपका घोड़े का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है मीन का पर्यायवाची शब्द है, एक था मीनाक्षी, तो वो आपको बताया था मीनाक्षी दुर्गा का पर्यायवाची होता है, यहाँ पर मीन दिया गया है, तो मीन किसका पर्यायवाची होता है, तो दोस्त याद रखेंगे मीन जो पर्यायवाची है वो मत्स्य का होता है, यानी मछली का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से हाथी का पर्याय है, सभी मित्रगण बताएंगे इनमें से कौन सा हाथी का पर्यायवाची है, तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कुंजर ये आपका हाथी का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि शब्द दिया गया, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए छपा शर्वरी और यामिनी ये तीनों के तीनों आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं, संसक आपका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कि त्वरणी शब्द का पर्यायवाची क्या है बताइए, त्वरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तरड़ी होता है तरड़ी नहीं तरड़ी, तरड़ी जो पर्यायवाची वो सूर्य का है, नाम का नहीं होगा, युवती और नदी, और नदी का पूछो तरड़ी होता है वो तटनी तटनी और यहाँ दिया तरड़ी, तो ये आपका सूर्य का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे 46वें प्रश्न की तरफ, 46वां कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, अभी हमने इससे ऊपर देखा था कि सूर्य का पर्यायवाची है, अब पूछा गया कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सभी मित्रगण याद रखेंगे यहाँ पर देखिए आदित्य सूर्य को कहा जाता है, दिवाकर सूर्य को कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दिया गया है अंशुमाली ये भी सूर्य को कहा जाता है, सुशांशु ये आपको सूर्य का नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है 47वां कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो मित्रों याद रखेंगे अनुपम को क्या कहा जाता है, जिसके समान अनुपम यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके समान और कोई ना हो उसे अनुपम कहा जाता है या अद्वितीय कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अद्वितीय, तो ऑप्शन नंबर डी अनुपम का अद्वितीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अग्नि का पर्यायवाची है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आप इन्हीं को लगा लेना, 500 प्रश्न जो मैं कराऊंगा अगर आप उन 500 प्रश्नों को 2-3 बार अगर आप लगा के जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं जो 10 प्रश्न आपके प्री परीक्षा में पूछे जाएंगे आरओआरओ में वो आपके 10 के 10 आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। बताइए 48 का क्या हो जाएगा, तो साथीगण याद रखेंगे 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावक पावक अग्नि जलन ज्वाला कृषाणु ये सब अग्नि के पर्यायवाची होते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा है जो भिन्न अर्थ को प्रकट करता है, तो साथियों याद रखेंगे देखिए अमात्या नंदिनी और कन्या ये सब एक दूसरे के अर्थ को प्रकट करते हैं जबकि भार्या अलग है, तो भार्या अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है
बताइए क्रोध, देखिए क्रोध का शांत कैसे हो जाएगा भाई, क्रोध का शांत ये तो विलोम की तरफ इंगित करता है, तो क्रोध का ये नहीं होगा। आगे बात करेंगे भ्रांति, भ्रांति ये नहीं होगा, वैमनस्य ये भी नहीं होगा, अमर से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 50 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, जी मित्रों आप बताएंगे पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों जब भी आप पर्यायवाची समझेंगे तो इसका अर्थ होता है कि समान अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द, अर्थात समानार्थी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आएगा। और ये आरो यारो प्री एग्जाम हुआ था, री वाला प्री वाला, ये 2013 में उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए चंचला बिजली का होता है, तड़ंग बिजली का, दामिनी बिजली का, और एक होता है शौदामिनी वो भी बिजली का होता है, पर ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों अभी मैंने कांतान शब्द आपसे पूछा था, वहाँ मैंने कहा था अगर आप विपिन का बता दोगे तो आप कांतान का भी, कांतार का भी बता दोगे, तो आपसे पूछा जंगल का पर्यायवाची, जंगल का कांतार होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यमुना का पर्यायवाची है। तो मित्रों आप अभी देख कर आए हैं, हम ऊपर यमुना के पर्यायवाची को डिस्कस किया था, और यमुना के पर्यायवाची को क्या कहा जाता है बताइए फटाफट, कालिंदी कहा जाता है, यमुना का पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालिंदी। ठीक है, भागीरथी गंगा को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। पहले तो ये समझेंगे अरविंद को और क्या कहा जाता है, अरविंद को देखिए पंकज कहा जाता है, कमल कहा जाता है, तो अब ऑप्शन देखेंगे क्या ऑप्शन में ये चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा है। देखिए पंकज होता है, जलद, जलज होता है कि जलद होता है, अब आप ये बताएंगे जलज होता है कि जलद होता है, तो दोस्तों जलज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिलिंद आपसे पूछा गया, अंबुज ये भी होता है, मिलिंद नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्राची शब्द का पर्यायवाची, बताइए प्राची शब्द का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा पूर्व। ठीक है, प्राची शब्द का पर्यायवाची क्या है, पूर्व, यानी प्राची का अर्थ प्राचीन अर्थात पूर्व की चीज, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीत का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा निशीत का पर्यायवाची नहीं है, ये प्री एग्जाम हुआ था आरओ यारो का 2013 में, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था कि निशीत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों उस समय आंसर था तम, ये तम नहीं होगा। देखिए रजनी, निशा और रात्रि ये सब निशीत अर्थात रात्रि के पर्यायवाची हैं, तम आपका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है, सभी साथीगण याद रखेंगे तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका परम सत्य आंसर होगा। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि सूर्य का पर्यायवाची है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सूर्य का पर्यायवाची है, तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्तंडे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रात का पर्यायवाची है, ठीक बताइए रात, तो सभी साथीगण अभी हमने ऊपर देखे थे रात के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो उसी में एक हमने देखा था त्रियामा, तो रात्रि का पर्यायवाची त्रियामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आप देखेंगे या तो धान का पर्यायवाची है, बताइए फटाफट या तो धान का पर्यायवाची है, तो दोस्तों या तो धान का पर्यायवाची हो जाएगा निशीचर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ग्रीवा का पर्याय है, तो साथीगण याद रखेंगे ग्रीवा का पर्याय होता है गर्दन, ऑप्शन नंबर सी। इसी श्रृंखला में थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 63वां प्रश्न है कि पाहन शब्द का पर्यायवाची है, बताइए पाहन शब्द का पर्यायवाची है, तो मैंने बताया था पाहन, पाषाण, प्रस्तर ये सब पत्थर के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल निधि का पर्यायवाची है, तो दोस्तों याद रखेंगे जल निधि का पर्यायवाची हो जाएगा वारिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फूल का पर्यायवाची नहीं है या नहीं शब्द दिया गया है, बताइए फूल का पर्यायवाची नहीं है, देखिए सुमन कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है, कुसुम कहा जाता है, तो ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची हैं, तनुजा नहीं कहा जाता, तनुजा नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका पर्यायवाची नहीं है। तो आप कमेंट करके बताएंगे तनुजा किसका है, अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चनों में देखकर आए थे तनुजा किसका है, बताइए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये भी प्रश्न अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची है, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो हमने ऊपर देखा था कि जो अरविंद है ये कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अरविंद कमल का, हमने देखा पंकज कमल का पर्यायवाची होता है, सरोज कमल का पर्यायवाची होता है, सलिल ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है कि निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो साथीगण गौर करेंगे इस क्वेश्चन की तरफ, जो तनय है ये पुत्र का होता है, किसका पुत्र का, और पुत्री का जब पूछा है तो तनया हो जाता है। ठीक है, श्रुता
और आत्मजा और दुहिता ये तीनों के तीनों ही पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। तनय पुत्र का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए, बताइए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों निशाकर आपका, देखिए निशाचर नहीं निशाकर, निशाकर आपका किसका होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, हवा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं शब्द देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वज। ये किसका होता है, ध्वज पताका, ये सब झंडे के पर्यायवाची होते हैं। जबकि हवा का देखिए वायु, शमीर और बयार, जिसे कहते हैं बयार नहीं चल रही, गर्मी लग रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्वज झंडे का पर्यायवाची होता है, जबकि शमीर, वायु, बयार ये सब के सब आपके हवा के पर्यायवाची होते हैं। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है कि जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको चुनना है, बताइए धन का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों देखिए द्रव्य धन का पर्यायवाची होता है, संपदा धन का पर्यायवाची होती है, दौलत धन का पर्यायवाची होती है, अजा ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि कमल के पर्यायवाची कई बार विभिन्न एग्जामों में लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो कमल के पर्यायवाची, आग के पर्यायवाची, वायु के पर्यायवाची, गंगा के पर्यायवाची, यमुना के पर्यायवाची, इंद्र के, ये पर्यायवाची कुछ ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इन्हीं पर्यायवाचियों को आपको अच्छे से कंठस्थ करना होगा। और कैसे होंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस के माध्यम से। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, चाहे एक घंटा दीजिए, पर हिंदी को रेगुलर अध्ययन कीजिए। 71 की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जो परम सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजरिस, ये नहीं है। देखिए जलज कमल का होता है, अंबुज कमल का होता है, पंकज कमल का होता है। जिस शब्द के अंत में जा आपको देखने को मिलता है वो ज़्यादातर किसका होता है, कमल का होता है। और एक चीज़ देखेंगे पानी से संबंधित हो, ठीक है, जलज यानी जल में खिलने वाला, पंकज कीचड़ में खिलने वाला, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कमल के पर्यायवाची नहीं होता। उसके बाद देखिए जलज, अंबुज और पंकज, ये सब के सब अरविंद, ये सब किसके, कमल के पर्यायवाची हैं। महादेव, बताइए महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा महादेव का पर्यायवाची है, तो महादेव का पर्यायवाची चुनना है कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जीभ का पर्यायवाची, बताइए यहाँ एक जीव होता है और एक होता है जीभ, तो जीभ को कहा जाता है रसना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी रसना। और ये आरो यारो 2010 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, 74 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची, शिव शंकर भोले वाले, बताइए शिव का पर्यायवाची, तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, ठीक है शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द दिया गया, आप गौर करेंगे इस प्रश्न की तरफ कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए चंद्रताप होता है, ये चांदनी का होता है, ज्योत्सना चांदनी का होता है, कौमुदी चांदनी का होता है, मयंक गलत हो जाएगा, मयंक चांदनी का नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर गौर करेंगे आप सभी साथीगण, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो बताएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया पयोधी, ठीक है पहला ऑप्शन दिया गया पयोधी, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। दूसरा दिया गया जलद, ये भी समुद्र का होता है। वारद, ये भी समुद्र का होता है। जलद, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए अह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हम बात करें यहाँ पर देखिए उरंग की, ये अह का होता है, फरीफ्रप अह का होता है, पवनाश अह का होता है, सिंदूर ये गलत हो जाएगा, सिंदूर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है जनार्दन का पर्यायवाची बताना है, तो जनार्दन बताइए किसको कहा जाता है, तो साथीगण याद रखेंगे जनार्दन विष्णु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैसर्गिक का पर्यायवाची, तो नैसर्गिक का जो दोस्तों पर्यायवाची होगा ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं, और नैसर्गिक को कृत्रिम कहा जाता है, ठीक है नैसर्गिक को क्या कहा जाता है, कृत्रिम, सॉरी प्राकृतिक कहा जाता है। नैसर्गिक का जो विलोम होगा वो कृत्रिम होता है, क्या होता है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम और पर्यायवाची प्राकृतिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शन का पर्यायवाची नहीं है, तो साथीगण याद रखेंगे। देखिए प्रभाकर सूर्य को कहा जाता है, दिनकर सूर्य को कहा जाता है, दिनेश सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, प्रभाकर, और यहाँ प्रभा ये वाला और ये विवाकर है, तो विवाकर गलत और प्रभाकर सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 81 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों देखिए, वीणा पाणी सरस्वती को कहा गया है, भारती सरस्वती को कहा जाता है, महाश्वेता सरस्वती को कहा जाता है, पद्मा ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो साथीगण बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 82वां प्रश्न है और ऑप्शन नंबर की तरफ बढ़े, यहाँ पर देखिए कट दिया गया, यह हाथ का पर्यायवाची नहीं होता। क्या कट हाथ का पर्यायवाची नहीं होता, हस्त हाथ का होता है, पाणि हाथ का, कर हाथ का। तो ये तीनों आप याद रखेंगे कि हाथ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, हस्त, पाणि और कर। अगला क्वेश्चन 83 का, एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है मछली का पर्यायवाची? तो आप देखेंगे तो ये मत्स्य मछली को कहा जाता है, मीन मछली को कहा जाता है, ठीक। और जो सफारी दिया गया है शब्द ऑप्शन नंबर सी में 83 का, ये भी आपको मछली का कहा जाता है, तो जलोदरी मछली को नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन देखिए, वीटी दिया गया है लहर का पर्यायवाची होता है, तरंग लहर का पर्यायवाची होता है, हेलोर लहर का पर्यायवाची होता है, ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, तो लहर के पर्यायवाची आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि षट पद का पर्यायवाची शब्द है, बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा भ्रमर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द देवता का पर्यायवाची है, तो आप देवता का पर्यायवाची बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका देवता का पर्यायवाची होता है, विबुध, विबुध को ही देवता कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मार का पर्यायवाची है, बताइए मार का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंग, ठीक है, मार को क्या कहा जाता है, अनंग, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बगीचा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जी मित्रों, बगीचा शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा है और इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो जाएगा आराम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची है, बताइए मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे कहा जाता है केसरी, तो केसरी मृगेंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि विडोला शब्द का पर्यायवाची है, बताइए विडोला शब्द का पर्यायवाची है, तो दोस्तों इंद्र को कहा जाता है विडोला। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रात्र का पर्यायवाची क्या है, रात्रि या रात का, तो साथीगण याद रखेंगे 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिश्रा रात्रि को कहा जाता है या रात को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है, बताइए तुरंग, मैं अभी ये ऊपर प्रश्न डिस्कस करके आया हूँ कि तुरंग किसको कहा जाता है, तो दोस्तों तुरंग बाजी है, घोटक, ये सब किसको कहा जाते हैं, घोड़ा के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ देखिए नहीं शब्द दिया गया है, बताइए 93 का क्या हो जाएगा, देखिए कमल को मृडाल कहा जाता है तो ये सही है, ओस को नीहर कहा जाता है ये भी सही है, आकाश को अम्र कहा जाता है ये भी सही है, गाय को द्विज कहा जाता है ये गलत है, गाय को द्विज नहीं कहा जाता, दंत दशन द्विज रद रदन, ये सब दांत के पर्यायवाची होते हैं, किसके दांत के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन, अग्रलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, देखिए कमल का पर्यायवाची इसी क्लास में कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, तो अब आपको कमल के पर्यायवाचियों को अच्छे से अध्ययन करना है और आपसे पूछा जाता है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमीय। देखिए अरविंद, फरफिज और फतदल ये होते हैं, अमीय आपका इसका पर्यायवाची नहीं होता, तो कमेंट करके बतानी है अमीय किसका पर्यायवाची होता है, ठीक है, अमीय अमृत का होता है, आम का होता है, इस प्रकार से आपको बताना है किसका पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, या मित्रों आपको हनुमान का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा नहीं है, तो साथीगण याद रखेंगे, देखिए पवन सुत हनुमान को कहा गया है, कपीश्वर हनुमान को कहा जाता है, बजरंगबली हनुमान को कहा जाता है, राम भक्त, राम भक्त तो भाई बहुत सारे लोग हैं, हम भी राम भक्त हैं, आप भी राम भक्त हो सकते हो, तो सब हनुमान थोड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तर्कस, तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तीर तर्कस, तो आप बताएंगे पर्यायवाची शब्द क्या है, तर्कस का आपसे पूछा है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका दोस्तों निशंग। देखिए ये विलोम शब्द हो जाता तीर तर्कस का, पर जब तर्कस का आपसे पर्यायवाची पूछा जाए तो इसका हो जाएगा निशंग, ऑप्शन नंबर डी। आइए साथियों अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपके सामने दिए गए हैं, जैसा कि आप देखेंगे स्त्री का पर्यायवाची आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों याद रखेंगे स्त्री का पर्यायवाची, देखिए तरुणी स्त्री का पर्यायवाची होता है, प्रमदा स्त्री का पर्यायवाची होता है और ललना स्त्री का पर्यायवाची होता है, ललमा स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा को यह नहीं कहते, यानी इनमें से किस को चंद्रमा नहीं कह सकते, तो साथीगण याद रखेंगे कलाधर को चंद्रमा कह सकते हैं, संसधर को चंद्रमा कह सकते हैं,
औषधीश को चंद्रमा कह सकते हैं, शस्यधर को चंद्रमा नहीं कह सकते, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ है भ्रमर का, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विरंध ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचरिक, द्विरेफ और सिलीमुख ये सभी आपके भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है 100वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है, यानी सोने का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो साथीगढ़ याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जात रूप, तो ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर होगा। तो ये तो थी आज की पर्यायवाची की पहली क्लास जिसमें हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। इसी प्रकार से 100-100 प्रश्नों की हमारे जो लेक्चर आएंगे वो टोटल 5 लेक्चर आएंगे और इन 5 लेक्चर में हम 500 प्रश्नों को कवर करेंगे, और इन्हीं 500 प्रश्नों को आप 2 से 3 बार अगर आप लगाते हैं तो जो 10 प्रश्न आपके यूपी आरओआरओ 2023 के प्री परीक्षा पूछ रहे हैं वो 10 के 10 आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद। जय।